को चालू करते होंगे तो आपको ये ऐड पे भी दिखता होगा, यानी जब आप किसी का वीडियो देखते होंगे तो उसमें ये ऐड पे भी दिखाता होगा कि इसमें आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आज उसी ऐप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, VITA। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग ऐप है, आप इससे काइन मास्टर से काफ़ी बेहतर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको VITA वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एप्लीकेशन पे ओपन हो चुका हूँ। तो दोस्तों ये VITA एप्लीकेशन है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे टेम्पलेट में आपको मिल जाएगा, यानी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा इसमें आपको वीडियो बनाने के लिए। आप इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा टेम्पलेट बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपको काफ़ी यूनिक वीडियो मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, जैसे ही आप इसमें बढ़ाते जाओगे आप अपने फ़ोटो को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो, यानी फ़ोटो को वीडियो बना सकते हो। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब इंट्रो, ठीक दोस्तों, यानी खास बात यही है कि इसमें आप यूट्यूब इंट्रो भी बना सकते हो। ठीक दोस्तों, और ये यूट्यूब इंट्रो काफ़ी फ्री है, यानी आपको इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ब्लॉग के लिए बना सकते हो, फनी लव इवेंट, ठीक दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम इसमें आपको बता देते हैं कि आप इसमें कैसे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा तो आपको सिंपल इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कोई एक वीडियो ले लेनी है। ठीक दोस्तों, जैसे ही एक मेरी ये वीडियो है तो मैं सिंपल इस वीडियो को ले लेता हूँ, कोई एक वीडियो को, और ये इस एरो को यहाँ पे टच कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह ये लोडिंग लेने लगेगा। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आ चुका है। ठीक दोस्तों, तो अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट, यानी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडिट यानी काट सकते हो और बढ़ा सकते हो। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे वॉल्यूम, रिप्लेस, कॉपी, डिलीट सभी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद आपको रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ 16:9 का रेशियो मिल जाता है। आपको अपने हिसाब से जिस टाइप का रेशियो सेव करना है आप उस टाइप का रेशियो डाल सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको इसमें इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, आप अपने इसमें इफेक्ट डाल सकते हो, इसको ये फ्री में डाउनलोड करना पड़ता है दोस्तों, यानी जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो ये अपने आप यहाँ पे इफेक्ट दिखाने लगेगा। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्रेम का इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें आप जैसे देख सकते हो ये कुछ ये जूम टाइप का इफेक्ट है, तो आपको यहाँ पे जूम मिलेगा। यहाँ पे आपको हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग यहाँ आपको ब्लूर का ऑप्शन हेलो मिल फ्रेंड्स जाएगा, आज यानी मैं आप अपने लोग वीडियो को ब्लूर कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे दोस्तों। आपको जिस टाइप हेलो का फ्रेंड्स आज मैं आप आपको लोगों इस के इफेक्ट चाहिए आप उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप जब बैक आओगे, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, यानी आपको अगर अपनी वीडियो में कहीं बीच बीच में अगर टैक्स लिखना हो तो आप यहाँ पे टैक्स लिख सकते हो। आपको यहाँ पे फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे फंड डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको किस स्टाइल में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक दोस्तों, आपको इसमें एनिमेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक दोस्तों, यानी ये काइन मास्टर से काफ़ी यूनिक वीडियो एडिटिंग ऐप है। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको क्या मिल जाता है, सबसे यूनिक चीज़ दोस्तों स्टिकर, जो कि अगर आप काइन मास्टर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, आपको काइन मास्टर में यानी पैसा दे के ख़रीदना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी यूनिक यूनिक स्टिकर है, आपको इसमें इमोजिस मिल जाएंगी, आपको इसमें हैंड्स मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, आपको जिस टाइप का लगाना हो स्टिकर आप उस टाइप का स्टिकर लगा सकते हो। आपको इसमें रिकॉर्डर का
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पे आप यहाँ कहीं भी सेट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप वाईफाई के बारे में आप बता रहे हो या फिर यहाँ पे इसको जब आप डाउनलोड कर लोगे तो ये रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टीकर मिल जाते हैं जो कि वीडियो स्टीकर रहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर और भी स्टीकर मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते एरो का स्टिकर मिल जाएगा, आपको इमोजीज का स्टिकर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें टैक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें आपको ब्रांड ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आप यहां पे अब जब टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप यहां पे अलग अलग टैग लगा सकते हो। और यहां पे आपको दिल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप यहाँ पर अपने हिसाब से गुड लक का ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों ख़ास बात है इसमें कि जैसे कि ये लाइक का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको जैसे कि अपने वीडियो में जहां अगर आपको सब्सक्राइब का बटन देना हो तो आप यहां पे सब्सक्राइब का बटन दे सकते हो या फिर लाइक का बटन दे सकते हो। ठीक दोस्तों, तो यहां पे कुछ ये इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको यहां पे काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, म्यूजिक के ऑप्शन में आप यहाँ पे अपने हिसाब से 100 तक कर सकते हो या फिर फुल कर सकते हो। ठीक दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें फिल्टर यानी आप इसमें म्यूजिक कैसे ऐड कर सकते हो, तो दोस्तों जब आप वीडियो के नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऐड म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा। तो जब आप ऐड म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह अपने फाइल पे ओपन कर देगा, तो आपको यहाँ पे सभी फ्री म्यूजिक मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, आपको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है तो ये दोस्तों फ्री है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, जैसे किड्स का हो गया, टाइपराइटर का हो गया, सेट का हो गया, ठीक दोस्तों, चिकन का हो गया। आपको डिवाइस में अगर जो आप डिवाइस पे डाउनलोड करके रखे होंगे उसका भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब इसमें आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने अभी उसमें इफ़ेक्ट का ऑप्शन बताया था, अब ये दोस्तों फ़िल्टर का ऑप्शन, यानी जैसे कि आपको जिस कलर में आपको फ़िल्टर करना हो आप उस कलर पे आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। ठीक दोस्तों, आपको बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको हो गया स्पीड मिल जाएगा, स्कालर मिल जाएगा, होल्डर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी ये काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप है, यानी मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को वीडियो एडिटिंग के रूप में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप है, आप इस वीडियो एडिटिंग को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका नाम दोस्तों BITA वीडियो एडिटिंग ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आपको एक्सपोर्ट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें 720 MB आपको जितना तक का चाहिए आप उतना तक का इसमें एक्सपोर्ट कर सकते। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।